सो गाइस, आज का जो ये पीसी है, मतलब काफी मुझे प्राउड होता है ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे सक्सेसफुल यूट्यूबर्स का पीसी की वीडियो को शूट करने के लिए, उनको सर्व करने के लिए, उनका पीसी को बिल्ड करने के लिए, मतलब बहुत अच्छा फीलिंग आता है। तो आज का जो पीसी है, ये एक यूट्यूबर है, फीमेल यूट्यूबर है इंडिया की, और कुछ इनको खिताब मतलब कुछ मिल चुका है जो इन्होंने कहीं पे लिख रखा था, इंडिया फर्स्ट ऐसा कुछ लिखा था, इंस्टाग्राम पे देखा था मैंने इनकी। इनके चैनल का नेम है साइलेंट गर्ल गेमिंग। आपकी देखो स्क्रीन में इनका लोगो लगा दिया, चैनल का सब लगा हुआ है, साइलेंट गर्ल गेमिंग है, और इनके सब्सक्राइबर हैं 3.16। एक्चुअली हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल है द राही, तो मैंने वो वही यूट्यूबर हैं, तो मैंने उनका वीडियो शूट की थी, उनके उनके लिए पीसी बना के दिया था। तो ये इनकी फेलो हैं कोई फ्रेंड सर्किल में, तो उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया इनको, फिर ये उस तरह से आई। तो सबसे पहले आपका नेम तो मैं नहीं रिवील सकता हूँ, तो बहुत बहुत थैंक यू साइलेंट गर्ल गेमिंग, आपने मिस्टर पीसी वाले पे बिलीव किया, भरोसा किया, एंड आप परेशान मत होना, आप हम लोगों ने अपने एंड से बेस्ट करके आपको पीसी बना के दिया है। तो सबसे पहले आपको बताएं, इनका पीसी फुल पीसी है, जिसमें एक कीबोर्ड माउस है, एक 27 इंच का मॉनिटर है, एक फ्यूचर अपग्रेडेड DDR5 बेस्ड का इनका पीसी बना है। सो व्हाट्स अप लोग, कैसे हो आप सब? कोई नया पीसी अगर आप भी इसी तरह से लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे दो नंबर आ रहे होंगे, दोनों में से किसी पे भी आप सुबह 10 से लेके शाम 7 बजे तक कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर दें, आपको आपकी कोटेशन मिल जाएगी। आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, आपके घर तक पीसी पहुंच जाएगा शिपिंग के थ्रू। और अगर आप चाहते हो यहाँ आकर लेना, तो आप लखनऊ हजरतगंज में हमारा ऑफिशियल हेड ऑफिस है, वहां से आके आप पीसी को परचेज कर सकते हैं। एंड बहुत जल्द हमारी मल्टीपल ब्रांचेस भी ओपन होने वाली हैं, हम कोशिश करेंगे हर शहर में अपनी एक ब्रांच खोलें, ताकि आपके लिए नियरेस्ट पड़े वो चीज। और बाकी चैनल पर पहली बार आप लोग आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किसी गेमर का पीसी की वीडियो देखनी हो, अंतर्यामी, बंदूकबाज, स्किल चोर, राही, लॉयनेक्स, एम भाई गेमिंग, बहुत सारे गेमर्स का पीसी बिल्ड किया हमने, एक प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर देखिए लिखा होगा द बिग गेमर्स पीसी बिल्ड, उसमें सब पड़ा है। तो आइए दिखाते हैं आपको हम लोगों ने इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स को यूज किया। सो गाइस, सबसे पहला कंपोनेंट जो यूज में आता है हमारे, वो आती है कैबिनेट। तो कैबिनेट जो उन्होंने इसमें यूज किए, वो यूज किए सर्किल डिफेंडर ZX1। ये देख लीजिए, आपको ओपन कैबिनेट लग रही होगी, यहाँ पर इसमें एक टफन ग्लास आता है, एक टफन ग्लास साइड में आता है, टॉप पे आप इसके 360 mm का लिक्विड कूलर लगा सकते हैं, और अच्छे खासे आईओ पोर्ट्स काम भर के इसमें दे रखे हैं कंपनी ने, और व्हाइट कलर की कैबिनेट है। अब मेरे पास देखो ऑप्शन क्या था इनका, क्या था, एक लिमिटेड बजट था, उस लिमिटेड बजट में हमको इनका पीसी को बिल्ड करके देना था। अब हम चाह रहे थे काफी पैसा इन्वेस्ट करना इनके RGB पे, एस्थेटिक्स पे, लुक्स पे, बट इनका मानना था कि शादाब सर, मुझको पैसा RGB पे इन्वेस्ट नहीं करना है, मुझको जो पैसा इन्वेस्ट करना है वो अपनी परफॉर्मेंस पे इन्वेस्ट करना है, जितना कम से कम हो सके आप मेरी कैबिनेट में पैसा लगाइए। और रिक्वायरमेंट क्या थी, व्हाइट कैबिनेट चाहिए थी, तो हमने व्हाइट कैबिनेट इनको दी है, बहुत अच्छी कैबिनेट है, बहुत बढ़िया, दो कलर में आती है, एक व्हाइट एक ब्लैक। बात करें प्राइस की, 7-8 हज़ार ऐसे इसका प्राइस चला है। उसके बाद जो हम लोगों ने इसमें पावर सप्लाई यूज की है कूलर मास्टर की MWE 650W 80+ ब्रॉन्ज, 650W की 80+ ब्रॉन्ज कूलर मास्टर की पावर सप्लाई यूज की है, जिसे कहते हैं कूलर मास्टर का लोहा जिंदाबाद। आपको दिखाते हैं सीरियल नंबर, ये देखिए, ये रहा इस कैबिनेट का, इस सप्लाई का सीरियल नंबर। सो भाई लोग, ये रही आपके सामने सीलो रीब्रेक कूलर मास्टर 650W की SMT। ये देखिए आपके सामने, इसको हम करते हैं अनबॉक्स, क्या क्या मिलता है। देखिए हमें मिलती है सबसे पहले पावर केबल मिल जाती है, और उसके बाद ये रही हमारी इंडिविजुअल पावर सप्लाई, पाँच पावर सप्लाई मिनट में, भाई सही बताऊँ मैं आपको, परफॉर्मेंस के मामले में ना टॉप नॉच पावर सप्लाई है, इसका कोई तोड़ नहीं इस पावर सप्लाई का, देर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ दिस पावर सप्लाई, विच इज कूलर मास्टर 650W 80+ ब्रॉन्ज 5 ईयर्स वारंटी के साथ आती है। उसके बाद जो मदरबोर्ड लगाया हम लोगों ने इनके बिल्ड में, वो लगाया है गीगाबाइट का Z790UDX। दो मदरबोर्ड तीन आते हैं, एक आता है Z790UD, एक आता है UDAC और एक आता है प्लेन Z790UD। ठीक है, अब हम लोगों ने जो इसमें लगाया AX में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ ये आपको दिखाते हैं, इसमें दे रखा है आपको Wi-Fi 6E, और जो Z790UDAC आता है उसमें दे रखा होता है Wi-Fi 6। इसमें PCIe 5.0 का भी सपोर्ट है, ये PCIe Z लैच के साथ ये मदरबोर्ड हमारा आता है, और ये आपके DDR5 मदरबोर्ड है, LGA 1700 सॉकेट सपोर्ट करने वाला, मतलब इंटेल का कोई भी प्रोसेसर इसमें इसलिए लगा सकते हैं।
ऑलवेज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई केस सीरीज का प्रोसेसर लगा रहे हैं किसी के बिल्ड में यूज कर रहे हैं तो उस प्रोसेसर को क्लब करना हमेशा Z790 सीरीज के मदरबोर्ड के साथ, अदरवाइज 760 के साथ आप क्लब करोगे नो डाउट चल तो जाएगा, बट वो अपनी पी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जो परफॉर्मेंस आपको Z790 सीरीज का देगा। बात करें प्राइसिंग की तो ये बोर्ड आता है रफली 24 to 25,000 के आसपास। ये देख लीजिए, ये रहा बोर्ड का सीरियल नंबर। तो भाई ये देखिए सील ब्रेक हो रही है, गीगाबाइट Z790 UDX हमारे मदरबोर्ड की, और ये हम लोग कर रहे हैं इसको अनबॉक्स। अनबॉक्स करके निकालते हैं मदरबोर्ड, इसकी सील ब्रेक हो जाए सामने। अंदर मिलती है साटा केबल और ये रहे एंटेना वाईफाई 6E के साथ। उसके अलावा हमको मिल जाता है इसमें, ये रहा मदरबोर्ड हमारा, 4M स्लॉट, प्रोसेसर का स्लॉट और दो तीन मिलते हैं शायद इसमें ATI की स्लॉट, और बिल्ड क्वालिटी मजा आ जाए देख के आपको, 1, 2, 3 NVMe के स्लॉट मिल जाते हैं जिसमें आपको पहला हीट सिंक के साथ है। ये रहे आपके सारे IO पोर्ट्स, टाइप सी का भी पोर्ट आपको इसमें मिलता है, वाईफाई 6 ये रखा है और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार मदरबोर्ड है अपने सेगमेंट का। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, DDR5 के मदरबोर्ड है, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। उसके बाद जो हमने उसने प्रोसेसर लगाया है वो लगाया है इंटेल i5, ये देखिए 14600K 14600 KF लगाया है। और आपको बताएं इंटेल की फ्लैगशिप जो सीरीज है भैया i5 i7 आ जाए, उसमें i5 में 14600K और 14600KF ही दो प्रोसेसर ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस i5 की सीरीज में सबसे बेस्ट है। तो हम लोगों ने इसमें दिया इनको i5 की कॉस्ट करता समय अराउंड 27 to 28,000 के आसपास। और सीरियल नंबर दिखा दो टेस्ट का, ये देखिए ये रहा सीरियल नंबर। तो भाई ये देखिए ये आपके सामने हम कर रहे हैं इसकी सील को ब्रेक, i5 14600K प्रोसेसर, और इसको कर रहे हैं अनबॉक्स। अंदर हमें कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मिल जाता है इंडिविजुअल प्रोसेसर इंटेल i5 14600KF 14600KF। उसके बाद जब प्रोसेसर इतना हैवी लगाया है तो उसको ठंडा करने के लिए, उसको कूल करने के लिए मैंने इसमें लिक्विड कूलर लगाया है। ये देख लीजिए आप, थर्मलटेक का TS360V2 ARGB स्नो वाइट लिक्विड कूलर 360mm का मतलब 360mm, तीन फैन है 120-120 के, तीन फैन और 360mm का इसका रेडिएटर है। और बात करें प्राइसिंग की, कितना आता होगा रफली 8-10,000 के आसपास इसका प्राइस आता है। तो भाई ये देखिए सील ब्रेक हो रही है हमारी थर्मेटिक TS360 लिक्विड कूलर की, सील को ब्रेक कर दिया, इसको अनबॉक्स करते हैं। बहुत सारा एसेसरीज मिलती है इसमें, ये देखिए आप सबसे पहले मिल जाते हैं इसको तीन फैन 120mm के वाइट कलर के फैन मिलते हैं, वाइट लिक्विड कूलर हमने इसमें यूज़ किया, वाइट थीम पे पीसी को बिल्ड किया, तीन फैन देखिए हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। और उसके बाद मिलता है ये इसकी एसेसरीज A2Z सारी इंटेल और AMD किट। ये रहा हमारा लिक्विड कूलर का रेडिएटर, 360mm का रेडिएटर है, तीन फैन 120mm के इसमें इजीली आप लगा सकते हैं, पाइप की लेंथ अच्छी है। और ये रहा CPU हेडर, इसकी क्वालिटी बहुत शानदार है भाई, काफ़ी बड़ा सा है। ये रहा इसका बैक पैनल, थर्मल पेस्ट लगाना होता है आपको, और मतलब बिल्ड क्वालिटी वाइज आपको बताते हैं इस बजट में इससे बेस्ट लिक्विड कूलर आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है भाई साहब। देखिए जब बात आई रैम की तो मैंने कहा इतनी बड़ी गेमर नहीं है तो इनके लिए कुछ तो अच्छा करना चाहिए। तो हमने इनके में जो रैम लगाई है इनको दी है वो दी है वो आपके प्रेडेटर की तरफ से आने वाली प्रेडेटर वेस्टा 2 DDR5 16x2 6000 MHz की दो स्टिक लगाई हैं, एक 16GB मतलब टोटल 32GB ऑफ रैम इनके में यूज हुई है। इसकी कॉस्टिंग भी भाई 12,000 से नीचे नहीं आती, 12-13,000 के आसपास इसकी कॉस्टिंग आती है। तो भाई ये रही रैम आपकी, आपके सामने प्रीडेटर निकली 16x2 32GB रैम है 6000 MHz की, अनबॉक्स आपके सामने हो रही है। भाई साहब क्या क्वालिटी है रैम की, क्या बिल्ड क्वालिटी है, सेल नंबर आपके सामने है, अल्टीमेट बिल्ड क्वालिटी आती है भाई साहब इनकी, परफॉर्मेंस बिल्ड क्वालिटी A to Z टॉप नॉच है, कोई इसका कहते नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है किसी दूसरी ब्रांड के साथ। बहुत अच्छा प्रेडेटर, बहुत अच्छा काम किया आपने सैंपल बना के। और उसके बाद जो मैंने उसमें स्टोरेज यूज किया है वो यूज किया है, देखिए ये डाटा की लीजेंड 960 DCI 4.02 TB की Gen 4 NVMe जिसकी रीड स्पीड ये देखिए है अप टू 7400 MBPS लीजेंड 960। अब देखो 2 TB की Gen 4 NVMe लेकिन इसमें 2 TB का स्टोरेज मतलब इसमें मल्टीपल गेम्स इंस्टॉल कर सकती है, उसके अलावा 2 TB की एक हार्ड ड्राइव भी लगी है
जिसे हम लोग कहते हैं भाषा में हार्ड डिस्क। बात करें इसकी, ये रफली 13-13.5 हजार के आसपास, हार्ड डिस्क लगभग 5.5 हजार के आसपास आती है। सुबह ये रहे NVMe, इसकी सील आपके सामने हम लोग कर रहे हैं ब्रेक। ये देखिए, ये सीरीज की हो गई ब्रेक। अब इसको करते हैं अनबॉक्स और निकालते हैं अपनी NVMe। ये देख लीजिए, एडाटर की 2TB की है, सील नंबर आपके सामने पड़ा हुआ 2N करके है सील नंबर। अब बहुत शानदार NVMe है, जबरदस्त। उसके बाद जो मैं उसमें ग्राफिक कार्ड यूज किया है, वो यूज किया है गीगाबाइट का G4 RTX 4060 Ti, RGB का GDDR6 बेस ग्राफिक कार्ड। अब आपको बताएं, आप में से कई लोग कहोगे शायद भाई इतनी बड़ी जब ये गेमर हैं तो आपने व्हाई यू नॉट यूज 4070 और 4070 Ti और 4080 सुपर 1490। वो बात बड़े गेमर की नहीं होती है, बात होती है नीड की, कि आपकी नीड कितनी है। आपकी नीड है इतनी, अब इनकी नीड जितनी थी, इनका बजट जितना था, उसके हिसाब से हमने इनको ये कार्ड प्रोवाइड किया। ठीक है, तो ये कार्ड का सेल नंबर ये देखिए आपके सामने। सो भाई ये रही सील, देखिए आपके सामने हम इसको कर रहे हैं ब्रेक, गीगाबाइट 4060 Ti, और इसको ग्राफिक कार्ड को करते हैं अनबॉक्स और आपको दिखाते हैं। देखिए तीन सिलेंडर की भी हमने ब्रेक कर दी। ये रहा ग्राफिक कार्ड, प्लास्टिक बिल्ड पे आता है, तीन आपको फैन मिल जाते हैं इसमें, और ये रहे इसके IO पोर्ट्स आपके सामने, ये देख लीजिए हैं, ये इसके IO पोर्ट्स दे रखे हैं। ये इसकी हो गई हीट सिंक, बढ़िया सी हीट सिंक मिल जाती है, प्लस उसके अलावा बैक प्लेट मिल जाती है प्लास्टिक बिल्ड में, और ये रहा सीरियल नंबर जो कि आप बॉक्स से मैच कर लें। और उसके अलावा बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार है। आप देखो कैसा लगा, आइए अब हम लोग करते हैं इस PC को बिल्ड। हमारा कंप्लीट हो चुका है, और कितना कंप्लीट हुआ मैंने सोचा आपको एक बार दिखा दें। ये देख लीजिए क्या क्या कंपोनेंट चीजें इसमें अलाइन हो गई हैं। देखिए ये दो रैम हैं, दोनों रैम लग चुकी हैं इसमें, और उसके अलावा लिक्विड कूलर लग गया, ये लिक्विड कूलर लगा हुआ तीनों फैन के साथ, ग्राफिक कार्ड लग गया, सब कुछ होटल लग चुका है, असेंबलिंग का काम सब हो चुका है, और एडिटर देखिए इसका CPU होटल कितना शानदार लग रहा है। ठीक, और दिखाते हैं आपको इसका केबल मैनेजमेंट। ये देखिए साइलेंट ग्रल गेमिंग, आपके PC का केबल मैनेजमेंट क्या शानदार लग रहा है, बोली चीज बोले तो जबरदस्त। ठीक है, ये रहा इसका केबल मैनेजमेंट। अब जब हम इसके टॉप पे वो लगाते हैं, साइड के पैनल बंद करते हैं, फ्रंट का ग्लास बंद करते हैं, मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो भाई लोग देखिए, मॉनिटर, ये CPU, ये माउस, लाइट सारी ऑफ कर दी है, सब कुछ सेट कर दिया है। हम लोग इसको करते हैं पावर ऑन, सो 3-2-1 एंड गो। ये देखिए जैसे हमने इसको पावर ऑन किया, कहाँ कहाँ पर लाइट आई, सबसे पहले नीचे बोर्ड में लाइट आ चुकी है, उसके बाद पूरे हमारे CPU में लाइट आ चुकी है, और जो कि बहुत शानदार लग रहा है। सबसे पहली नज़र मेरी अगर किसी चीज़ पे गई ना, तो वो गई रैम पे। रैम क्या शानदार लग रही है, लुक देखिए आप रैम का खाली है, लुक देखिए मज़ा आ जाए देख के। ये देखिए लिखा हुआ प्रेडेटर, देख रहे हैं आप, ये देखिए लिखा हुआ प्रेडेटर, ये देखिए रैम क्या ज़बरदस्त रैम लग रही है, रैम देख के मज़ा आ जाए। और उसके अलावा पूरा CPU देखिए, ये रहा इनके फैन, फैन के सेंटर में आप देखिए यहाँ पे आपको इन्फिनिटी लोगो डिजाइन लुक मिल जाता है, प्लस उसके अलावा साइड में यहाँ पे भी देखिए इन्फिनिटी लुक आपको पूरा प्रॉपर मिलता है, देख रहे हैं। और ये देखिए पूरा लियानली का डिजाइन दे रखा है, पूरा एज इट इज लियानली का दे रखा है, बहुत ही शानदार, देख के मजा आ जाए। वही आपको फैन एक पीछे दे रखा है। इसके अलावा ये रहा लिक्विड कूलर, लिक्विड कूलर में भी 1-2-3 फैन दे रखे हैं, और लिक्विड कूलर का CPU हेडर, ये रहा थर्मल टेक का। उसके अलावा ये देखिए एक फैन, एक ये फैन, एक ये फैन, और इसी की मिरर इमेज बन रही है, ये देखिए लग रहा है 6 फैन लगे हैं, देख रहे हैं आप,
ये इसकी सेम मिरर इमेज क्रिएट करके दे रहा है। उसके अलावा पीछे से दिखाएं आपको, साइड से, इस साइड से भी आपको दिखाएं, तो ये देखिए एक दो तीन, तीन फैन जो साइड के थे वो यहाँ पे भी लुक क्रिएट कर रहे हैं और टॉप पे भी थोड़ा सा लुक क्रिएट हो रहा है हमारा, ये देख लीजिए आप, ठीक है। तो कैसा लगा सीपीयू आप कमेंट करके बताओ। अब इसमें हम कुछ आपको चेंज करके दिखाते हैं, जैसे इसके कुछ आरजीबी इफेक्ट्स वगैरह, मल्टीपल कलर लगाते हैं वो सब दिखाते हैं। देखिए कलर ये लगा दिया हमने, ये देखिए मल्टीपल कलर आप चेंज कर सकते हैं, ये स्टैटिक कलर है। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इसमें इफेक्ट्स लग जाएंगे, फ्लैश लग जाएगा, देखिए ये फ्लैश मारेगा यहाँ से। उसके अलावा बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, और वो दिखाओ कुछ और, पल्स, डी फ्लैश, ये डी फ्लैश लगा है ना, ये क्या लगा है, साइकिल, अच्छा ये कलर साइकिल लगी है, ये लगा के छोड़ देंगे आप तो ऑटोमेटिकली इसके कलर्स चेंज होते रहेंगे। उसके अलावा ये देख लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, जितना चाहो उतना अच्छे से इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। बहुत शानदार सीपीयू लग रहा है, एक नंबर जबरदस्त है। और ये देखिए ये रहा सॉफ्टवेयर का, वो खुल रहा टास्क मैनेजर, देखिए टास्क मैनेजर में आपको दिखाते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे जाएंगे परफॉर्मेंस में, तो इंटेल कोर 14600KF, ये 32GB रैम, ये 2GB की NVMe, उसके अलावा हार्ड डिस्क सॉरी, ये रही NVMe, ये रहा ग्राफिक कार्ड NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti। देख रहे हैं सब कुछ लग चुका है, पीसी कैसा लग रहा है कमेंट करके आप बताओ। बहुत शानदार पीसी लग रहा है। और थोड़ी सी लाइट्स ऑन करते हैं, लाइट्स ऑन करके आपको दिखाते हैं कि अगर लाइट्स ऑन करके आप इस सीपीयू को रखते हैं अपने नियरेस्ट में तो कैसा लगता है। तो ये देखिए लाइट्स हमने ऑन कर दी हैं अपनी तरफ से, बहुत प्यारा पीसी लग रहा है, बहुत शानदार, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसलिए हमने सोचा आपको दिखा दें। अब इसके आप इंजॉय कीजिए, बेंचमार्क से बात करते हैं आपसे। भाई कैसा लगा पीसी कमेंट करके बताना, हमने अपनी तरफ से तुमको कोई कमी नहीं छोड़ी, बेस्ट से बेस्ट पीसी बना के आपको दिया साइलेंट ग्राम गेमिंग को, और एस्थेटिक वाइज, लुक वाइज, परफॉर्मेंस वाइज ए टू जेड कोशिश की कि कंपोनेंट्स इसमें हम लोग बेस्ट से बेस्ट यूज करें। आप चाहो आप भी इस टाइप का कोई पीसी हमसे परचेज कर सकते हो अगर आपका मूड हो तो भाई साहब, और हम लोग ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में आप चाहो हम आपको पीसी पहुंचा देंगे। बस शब्द क्या है, आपकी स्क्रीन पे दो नंबर आ रहे होंगे, दोनों में से आप किसी भी हमको कॉल कर लीजिएगा या तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक भाई, चैनल पर पहली बार जो आया हूँ प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप सब्सक्राइब करते हो हमको बहुत मोटिवेशन मिलती है। ठीक भाई, बाय बाय।